हरे कृष्णा राधे राधे। आज इस वीडियो में हम सावन महीने में सोमवार व्रत और 16 सोमवार व्रत की चर्चा कर रहे हैं। कैसे सोमवार का व्रत करते हैं, पूजा विधि क्या होती है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, व्रत में क्या खाना चाहिए, इसी के साथ हम चर्चा करेंगे क्यों 16 सोमवार के व्रत किए जाते हैं। इन सभी बातों पे डिटेल पे चर्चा होगी, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि मैं एक ही वीडियो में बहुत सारे टॉपिक कवर कर देती हूँ और फिर आप बाद में मुझसे इंडिविजुअली एक एक टॉपिक पे पूछते हैं, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, आपका प्यार और साथ की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। चलिए अब चर्चा शुरू करते हैं। देखो, सावन का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इसमें किए हुए किसी भी पुण्य कर्म से भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होकर भक्तों पर कृपा और आशीर्वाद बरसाते हैं। सावन का महीना शिवजी जी के साथ साथ माता पार्वती को भी समर्पित है। इस महीने में जो भी भक्त सच्चे मन से शिवजी और माता पार्वती की पूजा करते हैं, उन्हें उनका आशीर्वाद और शुभ फल मिलता है और बहुत साला मिलता है। एक कथा के अनुसार जब सनत कुमारों ने महादेव से उन्हें सावन महीना प्रिय होने का कारण पूछा, तो भगवान महादेव शिव ने बताया कि जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर में योग शक्ति से शरीर का त्याग किया था, उससे पहले देवी सती ने महादेव को हर जन्म में पति के रूप में पाने का प्रण किया था। अपने दूसरे जन्म में देवी सती ने पार्वती के नाम से हिमाचल और रानी नैना के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया था। पार्वती ने सावन के महीने में निराहार रहकर कठोर व्रत किया और भगवान शिव को प्रसन्न करके उनके साथ विवाह किया, जिसके बाद से ही महादेव के लिए ये महीना विशेष हो गया। शास्त्रों और पुराणों में सावन सोमवार व्रत को अमोघ फलदायी कहा गया है। जब भी कोई विवाहित स्त्री सावन सोमवार का व्रत करती है तो उसके परिवार को खुशियां, समृद्धि और सम्मान मिलता है। अगर कोई पुरुष ये व्रत करता है तो उसके काम धंधे में, कार्य में, व्यवसाय में उन्नति होती है, शिक्षा संबंधी कार्यों में उसे सफलता मिलती है और उसे आर्थिक रूप से मजबूती मिलती है। कुंवारी लड़कियां अगर सावन के हर सोमवार को शिव परिवार का विधि विधान से पूजन करके ये व्रत करती है तो उसे बहुत अच्छा वर और घर मिलता है। अब हम सावन सोमवार व्रत की चर्चा करते हैं कि व्रत कैसे रखना चाहिए। सावन सोमवार व्रत की विधि अन्य सोमवार व्रत की तरह ही होती है। सावन सोमवार व्रत में भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार सोमवार के व्रत होते तीन तरह के होते हैं। पहला होता है सोमवार व्रत, दूसरा होता है 16 सोमवार और तीसरा होता है सौम्य प्रदोष व्रत। सोमवार व्रत की विधि सभी व्रतों में एक जैसी होती है। अगर आपको सोमवार के व्रत उठाने हैं तो सावन महीने से ही शुरू करना बहुत बहुत अच्छा होता है। अब चाहे तो आप 16 सोमवार के व्रत कर सकते हो, सावन के पहले सोमवार से शुरू करो और 16 सोमवार तक व्रत करो और 17 सोमवार को उद्यापन करो। इस तरह आपको सावन के सोमवार करने का भी फल मिलेगा और 16 सोमवार करने का भी फल मिलेगा। या फिर अगर आप खुले सोमवार के व्रत करना चाहते हो, जो ज्यादातर एक साल के लिए किए जाते हैं, तो वो भी आप सावन से ही शुरू करना बहुत बहुत अच्छा होता है। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सावन सोमवार के दिन एक समय भोजन करने का प्रण लेना चाहिए। भगवान भोलेनाथ के साथ पार्वती जी की धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, जल से पूजा करें बहुत बहुत शुभ होता है। इसके साथ ही भगवान शिव को तरह तरह के नैवेद्य अर्पित करें, जैसे दूध, जल, कंद मूल आदि। सावन के हर सोमवार को भगवान शिव को जल जरूर अर्पित करें। अगर आप ज्यादा कर सकते हो तो बढ़िया उनका सुंदर अभिषेक करो, बट अगर आप ज्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम जल उनको जरूर चढ़ाना। रात्रि के समय जमीन पे सोना। इस तरह से सावन के पहले सोमवार से शुरू कर आप 9 या 16 सोमवार के व्रत कर सकते हो। अगर 16 सोमवार व्रत करना आपके लिए पॉसिबल ना हो तो सिर्फ सावन में जो 4 या 5 सोमवार आते हैं उनके व्रत कर सकते हो। एक बात और याद रखना, सावन के सोमवार व्रत हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं।
जीवन में सुख समृद्धि और भोलेनाथ की कृपा आशीर्वाद मिलता है। वही 16 सोमवार का व्रत हमारी किसी कामना के लिए, हमारी किसी मनोकामना को पूरा करने के लिए रखा जाता है। इसलिए अगर आपके मन में कोई इच्छा है और आप चाहते हो कि भोले बाबा उसे पूरी करे, तो इस सावन में पहले सोमवार से 16 सोमवार व्रत का नियम ले दो। जब आप 16 सोमवार व्रत की कथा सुनोगे ना, तो आपको पता चलेगा एक व्रत कितना फलकारी है। इसे माँ पार्वती ने स्वयं भी किया है। सावन के महीने में 16 सोमवार का व्रत करने से आपको 16 सोमवार का व्रत का फल तो मिलेगा, साथ ही सावन के सोमवार व्रत करने का फल भी मिलेगा। अभी व्रत करना कैसे है? व्रत के पहले सोमवार को विधि से भगवान का पूजन करें और फिर संकल्प करें, भगवान को अपनी मनोकामना बताएं, फिर 16 व्रत पूरे करके 17वें सोमवार को व्रत का उद्यापन करते, ठीक है? तो ये होता है सिंपल सी बात। आप चाहे कोई भी व्रत करो, वो पूरा उद्यापन के साथ ही होता है। इसलिए चाहे आप सोमवार के व्रत करो, 16 सोमवार व्रत करो, प्रदोष व्रत करो, कुछ भी करना, उद्यापन जरूर करना। अब हमारे पास एक प्रश्न आता है कि अगर हम पीरियड या मासिक धर्म में से हो जाए तो क्या व्रत करें या नहीं करें? तो देखो, आपको मैं कहूंगी कि व्रत जरूर करें, व्रत छोड़े नहीं जाते। हाँ, आप सिर्फ व्रत करें, कोई भी डायरेक्ट सेवा पूजा नहीं करें। आप किसी से व्रत की कथा सुन सकते हो या मोबाइल पे ही व्रत कथा सुन लो, ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करो। किसी भी व्रत में व्रत कथा सुनने को बहुत ज्यादा पुण्य फल होता है। ये व्रत आपका 16 सोमवार व्रत की गिनती में नहीं आएगा। अगर आपने सावन के सोमवार रखा है तो वो तो 4 ही होते हैं, ठीक है? तो वो गिनती में आए या ना आए, वो भोले बाबा पे छोड़ दो। अब अगर आप सिर्फ सावन के सोमवार, जो 4 या 5 होते हैं, उनका व्रत कर रहे हो, तो मैं उसको आपका शॉर्ट में फल बता देती हूँ कि भगवान उसका क्या फल आपको देते हैं। देखो, चंद्रमा भगवान शिव के नेत्र हैं और उनका दूसरा नाम सोम है। सोम ब्राह्मणों के राजा और औषधियों के देवता भी हैं। सोमवार का व्रत करने से हमारे शरीर, मानसिक और आर्थिक कष्ट दूर होते हैं, जीवन में सुख आता है। सावन के महीने में सोमवार के व्रत का पालन करने से हमें 12 महीनों के सभी सोमवार व्रत करने का फल मिल जाता है। अब मैं आपको पूजा विधि बता देती हूँ, कथा अपनी अगली वीडियो में सुनाऊंगी, ठीक है? देखो, अपने भोले स्वभाव के कारण भगवान शिव का एक नाम भोलेनाथ है, हम उन्हें बोलते हैं ना, इसी कारण भगवान शिव के जो व्रत होते हैं उनमें बहुत ज्यादा कड़े नियम कानून नहीं होते, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है। साथ ही शास्त्रों के अनुसार सावन सोमवार व्रत में 3 पहर तक व्रत करने के बाद एक समय भोजन करने का विधान है। सिर्फ सावन के सोमवार ही नहीं, शिवजी जी के जो भी व्रत होते हैं वो सूर्य उदय होने के 3 पहर तक चलते हैं, उसके बाद हम कुछ भी फलहार वगैरह ले सकते हैं। इसी के साथ याद रखना, भगवान शिव को जो प्रिय वस्तु है, जैसे उनके बेलपत्र हो गया, भांग धतूरा हो गया, ये सब उनकी पूजा में जरूर अर्पित करें, भोलेनाथ है, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ पूजा के लिए हमें सामान क्या क्या चाहिए। देखो, तांबे का या पीतल का लोटा ले ले, स्टील का लोटा यूज नहीं करना चाहिए। सादा जल ले ले, गंगा जल ले ले, ये हमें दोनों लेने हैं। शिवजी जी की पूजा में पंचामृत जरूर रखें। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और मिश्री मिला ले और एक पात्र में इसको बना ले। जो दूध होता है वो तांबे के पात्र से नहीं चढ़ता, इसको भी ध्यान रखें। डायरेक्ट थैली से या प्लास्टिक के बर्तन से दूध नहीं चढ़ाएं। इसके अलावा हमें चीनी, केसर, वस्त्र, चंदन, रोली, मोली, चावल मतलब अक्षत, फूलमाला, फूल, जनेऊ, इत्र, बिल्व पत्र, भांग धतूरा, कमलगट्टा, पान, लौंग, इलायची, सुपारी, धूप, दीपक मतलब ज्योत प्रज्वलित करने के लिए, है ना, अगरबत्ती, माचिस, कपूर, फल, सूखे मेवा, मिठाई, नारियल और जो भी दक्षिणा के लिए हमें पैसे चाहिए होंगे। अगर इनमें से कोई भी चीज कम ज्यादा होती है तो कोई बात नहीं है, भोलेनाथ है, जल्दी मान जाते हैं। पूजा की सभी सामग्री को आप इकट्ठा कर ले। क्वांटिटी आपके ऊपर है कि आप कितनी रखना चाहें। आप चाहो तो 1 फल रखो या 5 फल रखो, ये पूरी तरह से आपकी मर्जी है।
अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देती हूँ कि किस तरह से हमें सोमवार को करना है, किस तरह से अपना दिन प्लान करना है, क्या क्या पूजा के लिए क्या क्या करना है। तो देखो, सावन के सोमवार में आप ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठें, अपने रोज के फ्रेश वगैरह होकर नहाकर साफ सुथरे कपड़े पहन ले। कोशिश करना पूजा में काले नीले कपड़े नहीं पहनना, ये तो सावन में ही नहीं पहनने चाहिए हमें, बट स्पेशली सोमवार को आप याद रखना, हो सके तो सफेद कपड़े पहनना बहुत अच्छा होता है। गंगा जल या पवित्र जल से पूरे घर में छिड़के ताकि घर के अंदर पॉजिटिविटी आए और आपका ज्यादा पूजा करने का मन करे। अब आपको देखना है कि आप पूजा कहाँ करोगे, या अगर घर के मंदिर में पूजा कर रहे हो तो वहां पे तैयारी करें। अगर मंदिर में इतनी जगह नहीं है तो आप एक अलग चौकी बिछा के पूजा कर सकते हो, या अगर पड़ोस में कोई लोकल मंदिर है तो वहां जाके पूजा कर सकते हो। अब आपको करना क्या है, जहां पे भी पूजा करनी है गंगा जल छिड़क के उस स्थान को शुद्ध कर ले। इसके बाद शिव जी की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करके साफ आसन पे बिठाकर पूजा करें। आप चाहो तो मिट्टी के शिवलिंग स्वयं भी बना सकते हो। घर में सिर्फ पारद या नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। जो शिवलिंग का साइज है वो हमारे अंगूठे के साइज से बड़ा नहीं होना चाहिए। बाहर मंदिर में पूजा करने जाना हो तो पूजा का सामान ढक के ले जाना, प्लेट को ऐसे खाली ऐसे उघड़ा हुआ मत लेके जाना। पूजा करते समय आपका जो मुंह है वो पूरब या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। आप सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करें, फिर भगवान शिव का ध्यान करके तांबे के बर्तन से शिवलिंग को जल से स्नान कराएं, गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद दूध दही घी शक्कर और शहद वगैरह मिलाकर जो पंचामृत बनाया था उससे स्नान कराएं। इसके बाद सुगंध के साथ स्नान कराएं, केसर के जल से स्नान कराएं, चंदन आदि लगाएं। अब मोली जनेऊ वस्त्र आदि चढ़ाएं, अब इत्र और पुष्पमाला बेलपत्र आदि चढ़ाएं। जो बेलपत्र है वो आपके 5, 11, 21, 51 आदि शुभ संख्या में होने चाहिए। बेलपत्र चढ़ाने से रोगों से मुक्ति मिलती है। आंकड़े और धतूरे के फूल भी चढ़ाएं। शिव जी को सफेद रंग अति प्रिय है क्योंकि ये शुद्ध सौम्य और सात्विक होता है, इसीलिए आपको कपड़े भी मैंने सफेद पहनने को कहा है। आंकड़ा और धतूरा चढ़ाने से हमें पुत्र सुख मिलता है। जो बच्चे होते हैं वो आज्ञाकारी बनते हैं। वाहन सुख के लिए चमेली का फूल चढ़ाएं, धन की प्राप्ति के लिए कमल का फूल, शंख पुष्पी या जूही का फूल चढ़ाएं, विवाह के लिए बेला का फूल चढ़ाएं, मन की शांति के लिए शेफालिका के फूल चढ़ाने चाहिए, पारिवारिक कलह से मुक्ति पाने के लिए पीला कनेर का फूल चढ़ाएं, चंपा और केतकी के फूलों को छोड़कर बाकी सभी फूल भगवान शिव की बाकी सभी तरह के फूलों से भगवान शिव की पूजा की जाती है। भगवान शिव को साबुत चावल चढ़ाने से धन बढ़ता है। टूटे हुए या जिनमें सुरसुरी वगैरह हो जाती है वैसे चावल पूजा में इस्तेमाल ना करें। गंगा जल अर्पित करने से हमें मोक्ष मिलता है। शिव जी की पूजा करते समय आपका मन जैसे वो भोले हैं ऐसे आपका मन भी भोला शुद्ध और सात्विक होना चाहिए, जैसे भगवान शिव खुद हैं। इसके बाद धूप दीप जगाएं, अब फल मिठाई आदि का भोग लगाएं, इसके बाद पान नारियल और दक्षिणा चढ़ाएं। पूजा करते हुए अगर आपको सारे मंत्र नहीं आते हैं तो सबसे आसान है ओम नमः शिवाय, बस इसका जाप करते रहे। पूजन के बाद व्रत कथा जरूर सुने, मंदिर में जगह हो तो वहीं बैठ के सुने, अगर आप घर पे मंदिर में जगह नहीं है तो आप घर पे आके भी सुन सकते हो। फिर भगवान भोलेनाथ की आरती जरूर करें, ओम जय शिव ओंकारा वाली। इसके बाद जो भी प्रसाद है वो भक्तों में बांटे जरूर, प्रसाद बांटने से हमारी खुशियां और डबल बढ़ती है। इस तरह से सावन के सोमवार को पूजा करना, भगवान शिव जरूर प्रसन्न होंगे और आपके मन की इच्छा को पूरी करेंगे। सावन के हर एक दिन स्पेशली सावन के सोमवार में महामृत्युंजय, शिव सहस्त्र नाम, रुद्राभिषेक, शिव महिमा स्तोत्र, शिव तांडव स्त्रोत, शिव चालीसा आदि का पाठ करना बहुत अच्छा होता है। साथ ही याद रखें दिन भर मन को खुश रखें, ऐसा नहीं कि आप पूजा कर रहे हो फिर गुस्सा भी करे जा रहे हो और चुगलियां भी करे जा रहे हो, किसी से चिढ़ भी रहे हो, ऐसा मत करना। स्वयं को शिवमय कल्याणकारी बनाना, दिन भर शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना, शाम को भी शिव जी के घर पे या मंदिर में आप पूजा जरूर करें। अच्छा, शिव जी को क्या सामान नहीं चढ़ता,
शिवलिंग पर सिंदूर, हल्दी, लाल रंग के फूल, केतकी और केवड़े के फूल आदि या फिर जो स्त्री सौंदर्य से संबंधित सामान होता है वो नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग पुरुषत्व का प्रतीक है। अच्छा, एक और चीज याद रखना, शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं होती, आधी परिक्रमा ही लगाई जाती है। अब हम चर्चा करते हैं कि सोमवार व्रत के नियम क्या हैं, व्रत में क्या खाना है। तो देखो, जो सोमवार व्रत है, चाहे सावन के सोमवार है, खुले सोमवार के व्रत है, उनमें व्रत सुबह सूर्योदय से शुरू करके दिन के तीसरे पहर यानी सूर्यास्त तक किया जाता है। सूर्यास्त के बाद भोजन कर सकते हैं, इसके पहले आपको अनाज या नमक नहीं लेना है। जहां तक संभव हो सूर्यास्त होने तक पानी, फ्रूट, जूस, दूध, छाछ आदि ही ले। व्रत नियम साधक के ऊपर है, वो किस तरह का व्रत करना चाहता है। वो चाहे तो फलाहार से व्रत करे, मीठे व्रत करे, या नॉर्मल फूड जो घर में सात्विक खाना बनता है वो आप शाम को एक समय लेकर उसे व्रत कर सकते हैं। मतलब जैसे अगर आप मीठे व्रत का नियम लेते हो तो शाम को एक समय आपको कुछ भी मीठा खाकर अपना व्रत खोलना है, तो फिर आपका नियम रहेगा कि आपने पूरा दिन नमक का त्याग किया। तो आप इसमें चाहो तो अन्न खा सकते हो या मीठा फलाहार ले सकते हो, पूरी तरह से आपके ऊपर है। चाहो तो मीठा आलू का हलवा बना लो, तो मीठा फलाहार हो गया। आप कहते नहीं मुझसे नहीं खाया जाएगा, तो आप मीठा पराठा बनाते हो या मीठा चीला बनाते हो तो उससे भी कर सकते हो, या कोई मिठाई वगैरह खाकर भी व्रत रख सकते हो। अगर आप नॉर्मल फूड का नियम लेते हो तो बिना प्याज लहसुन का सात्विक खाना खाकर आप व्रत कर सकते हो। कई लोग फलहार का नियम लेते हैं जिसमें वो कूटू सिंघाड़े के आटे से बना खाना खाते हैं। कोशिश करें सेंधा नमक या व्रत का नमक भी दिन में सिर्फ एक बार लें, जो हम शाम को भोजन करेंगे उसी पे। अब 16 सोमवार व्रत में क्या नियम होता है? तो देखो, 16 सोमवार व्रत में हमें सिर्फ प्रसाद खाना होता है। जिसमें हम पूजा सुबह पूजा करते हुए ना प्रसाद रखते हैं, प्रसाद में आप खीर या चूरमा का इनका विशेष महत्व होता है, तो इनमें से कोई भी चीज रख सकते हो। कई लोग जो वर्किंग है, जॉब करते हैं या किसी भी परेशानी की वजह से हर सोमवार को प्रसाद में खीर चूरमा नहीं बना पाते, वो ड्राई फ्रूट भी रख सकते हैं प्रसाद में। पूजा जैसे आपको पहले बताई है उसी तरह करेंगे 16 सोमवार की भी। फिर जो आपने प्रसाद रखा है वो भगवान को अर्पित करेंगे, आरती करेंगे। इसके बाद जितना भी प्रसाद होगा उसके तीन हिस्से कर लेंगे। पहला हिस्सा नंदी के नाम से गाय को अर्पित करेंगे, दूसरा हिस्सा भगवान शिव के नाम से लोगों को बांट देंगे। प्रसाद बांटने का बहुत महत्व होता है, कभी भी प्रसाद अकेले नहीं खाना चाहिए। और फिर तीसरा हिस्से से अपना व्रत खोल लेंगे। कोशिश करें व्रत में सिर्फ यही प्रसाद खाएं, इसके अलावा और कुछ नहीं। सोमवार व्रत नियमित रूप से करने पर भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा हम पे, उनका आशीर्वाद हमको मिलता है, जीवन धन धान्य से भर जाता है। भगवान शिव सभी परेशानियों को दूर करते हैं। सावन में जो लोग प्याज खाते हैं वो पूरे सावन प्याज लहसुन ना खाने का नियम ले। साथ ही पूरे सावन के महीने में भगवान शिव का अभिषेक करने का नियम लो, ये दोनों ही बहुत बहुत फलकारी होता है। अभिषेक आप जल या पंचामृत किसी से भी कर सकते हो। शाम को मंदिर में शिव पार्वती के पास या शिवलिंग के पास रोज दिया जगा कर आओ, बहुत अच्छा होता है। ये नियम पूरे सावन महीने निभाओ, बहुत फलकारी होता है। अगर आपके लिए हर रोज शिव आराधना करना संभव नहीं तो सोमवार के दिन तो पूजा अर्चना जरूर ही करो, चाहे कुछ भी हो जाए। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में मैंने आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं, आपको सोमवार व्रत और 16 सोमवार व्रत की पूरी जानकारी मिल गई है और ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। आने वाले तीज त्योहारों की जानकारी अपने फोन पर पाने के लिए आप हमें 9821025751 पर मैसेज करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।